नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जोगी टिकरिया से प्रातःकालीन पूजन स्नान करके हम किनारे से निकले और देवरा गांव से पहले जोगी टिकरिया से 3 किलोमीटर पर बहुत सिद्ध स्थान है, श्री लंबे नारायण बाबा की समाधि, लंबे नारायण गुफा इस स्थान से जाना जाता है। तो लंबे नारायण बाबा जी एक बहुत बड़े संत हो गए जिन्होंने यहाँ पर तपस्या किया है गुफा में, और ये है उनकी समाधि। तो इन्होंने जीवंत समाधि लिया है, संजीवन समाधि, और जाते जाते बोल गए कि मेरे दाहिने हाथ से यहाँ पर एक बरगद का पेड़ उगेगा। तो उनके जाने के बाद कुछ दिनों में बरगद का पेड़ उग गया और ये बरगद का पेड़ जैसे भुजा पसारे हुए, बहुत सिद्ध स्थान का दर्शन हुआ हमें, लंबे नारायण गुफा। ये महाराज जी की समाधि है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य आज दिन संत दर्शनाचा अनंत जन्माचा शेण गेला। ये उनके शिष्य थे कटारे दादा, उनके शिष्य की समाधि है। श्री गुरुवे नमः। समाधि के सामने छोटा सा एक बजरंग बली की का मंदिर। जय बजरंग बली की, जय जय श्री राम। नर्मदे हर नर्मदे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते दुर्गा माता की जय। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। की गिरिजा शंकर भगवान की जय। शंकर पार्वती जी की मूर्ति है। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री नर्मदा जी देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अविघ्नमस्तु। ये देवरा के कुलदीप भाई जी राव, इनके यहाँ हमारा दोपहर का विश्राम भोजन प्रसादी है। ये माता जी भोपाल से आई है, इनका मायका डिंडोरी में है, और लंबे नारायण दादाजी के जो शिष्य है कटारे दादाजी, ये इनके परदादा थे। तो ये पूरे फैमिली का गुरु परंपरा है, गुरु स्थान है। लंबे नारायण बाबा जी द्वारा स्थापित ये गुफा हनुमान जी मंदिर की गुफा है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वाणिरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी मंदिर के ठीक साइड में एक गुफा है नीचे, यहाँ हमें जाना। ये लंबे नारायण बाबा जी की गुफा है। यहाँ पर नर्मदा माई बह रही है देखो बीच में, और सामने है डिंडोरी। ओम नमः शिवाय। श्री नंदकेश्वर भगवान की जय। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। काल भैरवनाथ भगवान की जय। गुफा, ये गुफा है। लंबे नारायण दादाजी जो थे, दादाजी ने अपने चिमटे से
ये गुफा तैयार की दोनों, हनुमान जी की भी और ये भी। गुफा में नीचे उतरना है झुक के पूरा, ये ऐसा छोटा सा दरवाजा। और बड़े संत महात्मा के समाधि का दर्शन, नर्मदे हर बाबा जी, ये है पापा जी ने स्वयं तैयार की हुई चिमटे से। लंबे नारायण दादा जी की जय। इस स्थान पर बैठकर उन्होंने तपस्या किया है जी। नर्मदे नर्मदे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संतांचे पायी हा माझा विश्वास, सर्व भावे दास झालो त्यांचा। धन्य आज दिन झाले संतांचे दर्शन। बहुत ही सिद्ध स्थान, जहाँ जैसे ही यहाँ पर प्रवेश किया बहुत एनर्जी। बहुत सिद्ध स्थान है महाराज जी, और सिद्ध स्थान जी जी जी। यहाँ जो भी होती है यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, बाबा सबकी पूर्ण करती हैं, और सच्चा मन से याद करो बाबा को तो दर्शन भी देते हैं जी। सच्चा मन से याद करो तो बाबा दर्शन भी देते हैं। यहाँ जो पुण्य प्रताप है बहुत ही शुभ कार्य है महाराज। हम धन्य हो गए बाबा जी, परिक्रमा में इतने बड़े संत महात्मा के समाधि का दर्शन हुआ, इतने सिद्ध स्थान का जी महाराज जी 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 जी, जी, जी। नर्मदे आप इतने घूम के आए होंगे जी, स्थान तो बहुत से मिल रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत एक स्वर्ग एक स्थान है। सही है सही। बाकी ये स्थान जो है बहुत ही जी, ऐसी स्थान बहुत ही कम जगह में मिलते हैं। यहाँ बैठ के बाबा जी तप कर रहे हैं। तप कर रहे थे हाँ जी। और समाधि ऊपर जी हाँ जी। नर्मदे 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 हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ये नाग देवता की प्रतिमा और दो शिवलिंग। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। पुनः एक बार समाधि का दर्शन। ये देवरा है और सामने जो दिख रहा है वो है डिंडोरी, नर्मदा माई के उस पार। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।